हम माँ संतोषी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माँ संतोषी व्रत की भक्तों कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, आज हम आपको माता संतोषी व्रत की कथा सुनाएंगे। प्रिय भक्तों, माता संतोषी का शुक्रवार के दिन व्रत किया जाता है और इन्हें गुड़ एवं चने का भोग लगाया जाता है, जो माता को अति प्रिय होता है। प्रिय भक्तों, माँ संतोषी का व्रत करने से भक्तों को भयंकर कष्टों से भी मुक्ति मिलती है और सभी मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। व्रत के दिन पूजा पाठ एवं आरती के पश्चात माता संतोषी व्रत की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। कहते हैं व्रत कथा सुनने से ही व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं माता संतोषी व्रत की ये परम कल्याणकारी पावन कथा। व्रत कथा संतोषी माँ की बड़ी प्राचीन है बात। एक बुढ़िया थी जिसके बेटे और बहुएं थी साथ। बड़े जो छे बेटे थे वो सब खूब कमाते थे। कमा कमा कर धन वो अपने घर में लाते थे। छोटा सातवां बेटा काम नहीं कुछ भी जानता था। भाई कमाने वाले हैं वो यही मानता था। छह बेटों को देती बुढ़िया अच्छे अच्छे व्यंजन, और सातवें को देती थी उन सब की ही जूठन। सोचती थी वो ये है निकम्मा और वो कमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। प्रिय भक्त जनों, क्योंकि छोटा बेटा कुछ काम नहीं करता था, तो बुढ़िया अपने छह बेटों को अच्छा अच्छा भोजन बनाकर देती थी। सबके खाने के बाद जो जूठन बच जाती थी वो अपने छोटे बेटे को देती थी। छोटे बेटे की पत्नी ये सब जानती थी, किंतु सास के डर से कुछ बोल नहीं पाती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से कहने लगा, देखो मेरी माँ मुझे कितना प्यार करती है। मैं कुछ काम नहीं करता फिर भी मुझे अच्छा अच्छा भोजन देती है। उसकी पत्नी कहने लगी, आपको नहीं पता आपकी माता आपको सबकी जूठन खिलाती हैं। अपनी पत्नी की बात सुनकर वो कहने लगा, जब तक अपनी आंखों से मैं खुद नहीं देखूंगा। सच कहती हो या के झूठ है कैसे मानूंगा। पतली चादर ओढ़ के उस दिन वो तो लेट गया। लगा चुपके से देखने उसकी माँ करती है क्या। और संयोग से उस दिन कोई उत्सव आया है। कई प्रकार का भोजन उस बुढ़िया ने पकाया है। करके काम जो उसके छह बेटे वापस है आए। बड़े प्रेम से बुढ़िया सबको भोजन रही कराए।
भोजन करके अपने काम पर लौट वो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सर दर्द का बहाना करके पतली सी चादर लेकर छोटा बेटा सब कुछ देख रहा था। उसके भाइयों के भोजन करके चले जाने के पश्चात उसकी माँ ने उन सब की जूठन का एक लड्डू बनाया और कहने लगी, अरे उठ जा, तुम्हारे सब भाइयों ने खाना खा लिया, तुम भी खा लो। इतना देख कर वह कहने लगा, मुझे नहीं खाना है, मैं परदेश जा रहा हूँ। तो उसकी माँ कहने लगी, कल का जाता आज चला जा। इतना सुनकर छोटा बेटा घर से निकल ही जाए, चलते समय पर उसको अपनी पत्नी की याद आए, जो कि निकट ही गौशाला में उपले थाप रही। आकर उसके पास कहा, मुझे रहना यहाँ नहीं, सच ही कहा था तुमने, मैंने बात नहीं मानी, चलते चलते सोचा तुमको दे दूँ कोई निशानी। छोटी बहू को अपनी अंगूठी उसने दे दी है, पत्नी बोली मेरे पास तो निशानी कुछ भी नहीं है, मन में ही रखना याद मुझे, परदेश जो जाते हैं पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, छोटा बेटा ज्यों ही परदेश जाने के लिए घर से निकला, उसे पत्नी की याद आई। सोचा कि जाते जाते पत्नी से तो मिलना चाहिए। उसकी पत्नी पास ही गौशाला में गोबर से उपले थाप रही थी। वो उसके पास आकर कहने लगा, तुम्हारी बात सच निकली, मैं कुछ नहीं कमाता हूँ, इसीलिए मुझे सबकी जूठन खानी पड़ रही है। अब मैं परदेश में कमाने के लिए जा रहा हूँ, निशानी के लिए तुम मेरी अंगूठी ले लो और मुझे भी अपनी कोई निशानी दे दो। तो छोटी बहू कहने लगी कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई भी निशानी नहीं है। और गोबर से सने हुए हाथ उसकी पीठ पर छाप दिए। इसी को निशानी समझ कर वो परदेश में कुछ काम की तलाश में निकल गया। चल करके परदेश में छोटा बेटा आ गया है, मिल जाए कोई काम वो तो गलियों में भटक रहा है। बहुत बड़े फिर एक सेठ को उसने देख लिया, लगा पूछने मेरे लायक काम है कोई क्या। सेठ को भी तो एक नौकर की बड़ी जरूरत थी, लगा नौकरी करने वो तो सेठ के पास वही। सेठ से पूछा उसने, मुझको मिलेगी क्या तनख्वाह। कहने लगा वो सेठ, तुम्हारा काम मैं देखूंगा। उसकी मेहनत देख सेठ प्रसन्न हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, सेठ के यहां उसने बड़ी ही मेहनत से काम किया, जिसे देखकर
सेठ ने उसे कुछ दिन तो वेतन दिया, किंतु उसके यहाँ काम करने से सेठ का व्यापार दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। उसकी मेहनत देखकर सेठ ने उसे अपने व्यापार में भागीदार बना लिया। फिर तो वो और भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सेठ के यहाँ नौकरी करते हुए उसे 12 वर्ष होने को आए थे और उसने बहुत सारा धन एकत्रित कर लिया था। लेकिन उसकी पत्नी घर में बड़ी ही दुखिया है। सुबह तो घर का काम कराती उससे बुढ़िया है, और दिन में लाने को लकड़ियां उसे भेज देती है। भूसी की रोटी बदले में उसको देती है, और नारियल की नारेली में देती पानी। कठिनाइयों से भरे हुए दिन कुछ ऐसी है कहानी। छोटी बहू जैसे तैसे दिन अपने लगी बिताने, क्या करती बेचारी पति गए हैं परदेश कमाने। सुनने वाला ना कोई उसके मन की बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, छोटी बहू पर उसकी सास बड़े ही अत्याचार करती थी। घर का सारा काम भी उसी को ही करना पड़ता, और दिन में जंगल से लकड़ियां भी काट कर लाती थी। बदले में उसकी सास उसे आटे की बची हुई भूसी की रोटी देती और नारियल की नारेली में पीने को पानी देती। इस प्रकार उस दुखियारी को पूरे 12 वर्ष बीत गए। एक दिन वो लकड़ियां लाने जंगल में जा रही थी कि उसे एक मंदिर में कुछ औरतें पूजा करते हुए दिखाई दी। जिज्ञासावश छोटी बहू उन औरतों के पास आई और पूछने लगी, बस एक महिला से वो तो लगी पूछने, किसका है ये मंदिर बहना तुम किसे लगी पूजने। पूछने पर एक महिला आकर उसे लगी कहने, माँ संतोषी का व्रत किया है बहन आज हमने। माँ संतोषी का दिन है ये आज है शुक्रवार, व्रत करने से माँ भक्तों का करती है उद्धार। शुक्रवार के व्रत बहन जो श्रद्धा से करती है, खुशियों से माँ संतोषी उनकी झोली भरती है। ऐसा व्रत है सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माता दे वरदान बढ़ता सुख और सम्मान, जब माता दे वरदान बढ़ता सुख और सम्मान। प्रिय भक्त जनों, छोटी बहू को एक महिला ने बताया कि हमने माता संतोषी का व्रत किया और इसलिए पूजा करने मंदिर आए हैं। तो वो पूछने लगी कि इस व्रत से क्या फल मिलता है। अगर तुम इस व्रत का विधान समझा दोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा ही एहसान मानूंगी। तब उस महिला ने कहा, ये संतोषी माता का व्रत है, इसके करने से निर्धनता और दरिद्रता का नाश होता है, और जो कुछ मन में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है। इस व्रत को करने का बड़ा ही सरल उपाय है, 1.25 आने या 1.25 आने का गुड़ चना लेना सहूलियत के अनुसार
सवा रुपए का भी ले सकती हूँ। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना, इसके बीच क्रम नहीं टूटे, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई ना हो तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल का पात्र सामने रखकर कथा कहना, जब तक कार्य सिद्ध ना हो नियम का पालन करना, और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता पूरा फल प्रदान करती हैं, यदि ग्रह खोटे भी हों तब भी माता वर्ष भर में कार्य सिद्ध कर देती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं, उद्यापन में 2.5 सेर आटे की पंजीरी, इसी मात्रा में खीर व चने का साग बनाना और 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई बंधु के लड़के हों, अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसियों के लड़के को बुलाकर भोजन कराना और यथाशक्ति दक्षिणा देना। नियम का पूरा पालन करना, उस दिन घर में ना खटाई खाना ना ही किसी को खाने देना। व्रत विधि को छोटी बहू ने पूरा सुन लिया है, मैं भी माँ के व्रत करूंगी मन में निश्चय किया है। लकड़ी का गट्ठर बाजार में उसने बेच दिया, उससे मिले जो पैसे थे तो गुड़ और चना लिया। करके स्नान वो माता के मंदिर में आ गई है, मैं अज्ञानी हूँ माता ये विनती कर रही है। व्रत विधि नहीं जानती हूँ ना जानती पूजा पाठ, लेकिन शरणागत का माता तुम देती हो साथ। कृपा जो कर दो सारे काम सफल हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्तजनों, उस दिन छोटी बहू को लकड़ियां बेचकर जितने भी पैसे मिले उनका गुड़ और चना लेकर माँ संतोषी के मंदिर आई और माता से विनती करने लगी कि हे माता, मैं घोर अज्ञानी हूँ, आपकी व्रत विधि नहीं जानती, मुझ पर कृपा करना और व्रत नियम पालन करने में मेरी सहायता करना, मैं अब से आपके व्रत करूंगी। इतना कहकर उसने माता के चरणों में प्रणाम किया और घर लौटकर आ गई। अगले शुक्रवार से ही उसने माता संतोषी के व्रत करने शुरू कर दिए। एक शुक्रवार ही बीता था कि अगले दिन उसके पति का पत्र आया और 3रे शुक्रवार को पति द्वारा भेजा हुआ कुछ पैसा आया। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे और लड़के ताने देने लगे कि काकी के पास पत्र और रुपया आने लगा है, अब तो काकी की खूब खातिर बढ़ेगी। उन सबके ताने सुनकर बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आवे रुपया आवे हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भर कर वो माता संतोषी के मंदिर गई और उसके चरणों में गिरकर रोती हुई बोली, पैसा तो है माँ संतोषी मैंने नहीं चाहा, है परदेश में मेरा पति जो लौट के ना आया। विनती है तुमसे मेरी माँ, मेरा सुहाग लौटा दो, लौट के कब आएगा पति मेरा माता इतना बता दो। माँ संतोषी विनती सुनकर आई सामने है, शीघ्र ही आ जाएगा पति तेरा उससे लगी कहने है।
सुनकर वचन वो माता के है खुशी से झूम उठी। होके बावरी जैसे वो तो घर में है लौटी। घर में आकर बता दी उसने सारी बातें, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, जब उसने घर में आकर सास और जेठानियों से कहा तो वो ताने देने लगी कि ये तो पागल हो गई है। 12 साल से इसका पति लौट कर नहीं आया, अब कहाँ आएगा। लेकिन उसे माता संतोषी पर पूर्ण विश्वास था कि उसका पति लौट कर अवश्य ही आएगा। माता संतोषी ने बुढ़िया का भेष बनाया और उसके पति के सपने में जाकर कहा कि सोता है या जागता है। वो कहने लगा, ना मैं सोता हूँ ना मैं जागता हूँ, कहो माँ क्या आज्ञा है। तो माता कहने लगी, अब तुम घर लौट जाओ। तो वो कहने लगा, मैं भला घर कैसे जा सकता हूँ, इतना लेन देन बाकी पड़ा है, जाने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा। तब माता ने कहा, मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माँ का नाम ले और घी का दीपक जलाकर दंडवत करके दुकान पर बैठ जा, देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा। जैसा सपने में आकर के माता ने कहा है, अगले दिन सुबह उठकर उसने वैसा ही किया है। माता संतोषी के मंदिर में वो आया है, आकर के चरणों में उसने शीश झुकाया है। घी का दीप जलाकर फिर गद्दी पर बैठा है, देखते देखते चमत्कार कुछ ऐसा हो गया है। लेन देन तो शाम तलक ही सारा हुआ चुकता, और दुकान में जो सामान था सारा नगद बिका। ढेर लग गया है पैसों का, इतने आते हैं पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये भक्त जनों, माता संतोषी की कृपा से उसका सारा लेन देन भी चुकता हो गया और सामान के नगद पैसे मिले। जब शाम को सेठ आया तो देखकर बड़ा ही प्रसन्न हुआ। अब उसने अपने सेठ से कुछ दिनों के लिए छुट्टी मांगी। सेठ ने खुशी खुशी हाँ कर दी और उसका कमाया हुआ सारा धन उसे दे दिया। बाजार से उसने अपनी पत्नी के लिए कपड़े और गहने खरीदे तथा घर की ओर प्रस्थान कर गया। इधर उसकी पत्नी रोज लकड़ियां काटकर आते जाते माता संतोषी के मंदिर में जाकर दर्शन करती थी। उस दिन भी जब वो मंदिर गई तो माता ने उससे कहा, तुम्हारा पति आज लौटकर आ रहा है, तुम लकड़ियों के 3 गट्ठर बना लो, एक को मंदिर के बाहर छोड़ दो, दूसरे को ले जाकर बेच दो और तीसरा गट्ठर घर ले जाना। मंदिर के पास लकड़ी का गट्ठर देखकर तुम्हारे पति के मन में मोह पैदा होगा और वो यहीं रुककर खाना पकाकर खाएगा। तब तक तुम लकड़ियां बेचकर दूसरा गट्ठर घर में ले जाना, तुम्हारा पति वहीं मिलेगा। लकड़ी का गट्ठर पटक कर तुम आवाज लगाना, लकड़ी ले लो, भूसी की रोटी दे दो और नारेली में पानी दे दो, घर में आज कौन मेहमान आया है। छोटी बहू ने वैसा ही किया। लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाकर
वो एक मंदिर के बाहर ही छोड़ गई। जब उसके पति ने देखा कि मंदिर के बाहर लकड़ी पड़ी है तो उसने सोचा क्यों ना यही खाना पकाकर खाया जाए। उसने वही खाना पकाकर खाया और घर की ओर चल दिया। छोटी बहू को माता ने जैसा आदेश दिया, माँ संतोषी ने जो कहा था उसने वही किया। एक लकड़ी का गट्ठर वो बाजार में बेच के आई और दूसरे गट्ठर को अपने घर में लाई। ला कर के आंगन में गट्ठर उसने पटक दिया और जोर से दे कर के आवाज है यही कहा, लाई हूँ मैं लकड़ियाँ माँ जी तुम इनको ले लो, भूसी की रोटी नारेली में पानी तुम दे दो। उसका पति सुन लेता पत्नी की सब बातें हैं, पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं ये भक्त जनों, छोटी बहू जब लकड़ी पटक कर कहती है लकड़ियां ले लो, भूसी की रोटी और नारेली में पानी दे दो, आज घर में कौन मेहमान आया है। इतनी बात सुनकर उसकी सास कहने लगी, बेटी ऐसा क्यों बोल रही है, तेरा पति ही तो आया है, ले अच्छे अच्छे वस्त्र पहन, अच्छा भोजन कर। बुढ़िया के बेटे ने जब अपनी पत्नी का फटे हाल देखा तो पहचान ना सका, किंतु जब उसके हाथ में अपनी दी हुई अंगूठी दिखाई दी तो उसे समझते देर ना लगी और अपनी माँ से कहने लगा, रहने दो माँ, मैंने सब कुछ देख लिया, तुम किस हाल में मेरी पत्नी को रखती हो, मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो, हम वहीं जाकर रहेंगे। उसने अपनी माँ से दूसरे घर की चाबी ली और वहाँ आकर अपना घर का सारा सामान जचा लिया, क्योंकि वह बहुत सारा धन कमा कर लाया था। अतः सुख सुविधा के सारे सामान जुटा लिए और बड़े ठाट बाट से रहने लगे। ठाट बाट से उन्होंने अपना सारा सामान जचाया, व्रत उद्यापन करने का भी अब तो समय है आया। बोली अपने पति से, माने सुन ली मेरी पुकार, व्रत उद्यापन करना है कल ही है शुक्रवार, जाकर के सामान बाजार से लेकर तुम आओ और अपने भाइयों के लड़कों को भी बुला लाओ, कल हम व्रत का करेंगे दोनों मिलकर उद्यापन, संतोषी माँ की कृपा से होगा सब संपन्न, खाली भंडारे भक्तों के भर ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब माता दे वरदान बढ़ता सुख और सम्मान, जब माता दे वरदान बढ़ता सुख और सम्मान। प्रिय भक्त जनों, अपनी पत्नी के कहने पर वो बाजार से उद्यापन के लिए सारा सामान लेकर आ गया और भाइयों के सभी बच्चों को बोला कि कल तुम्हारी काकी व्रत उद्यापन करेंगी, तुम भोजन वहीं जाकर करना। अगले दिन बच्चे भोजन करने आए, किंतु उन्हें उनकी माताओं ने बता दिया था कि तुम दक्षिणा में मिले पैसों की खटाई लेकर खा लेना। बच्चे भोजन करने के बाद बोले, खीर और चने से हमारा जी मिचलाने लगा, कुछ खटाई खाने को दो।
छोटी बहू कहने लगी, ये माँ संतोषी का प्रसाद है, आज के दिन खटाई नहीं खाते। तो बच्चे कहने लगे, ठीक है हमें दक्षिणा के पैसे दो। उस भोली ने सभी बच्चों को दक्षिणा के पैसे दे दिए, जिससे लेकर उन्होंने खटाई खा ली। इससे उद्यापन भंग हो गया और माता रुष्ट हो गई। राजा के सिपाही आकर उसके पति को कहने लगे, चलो राजा के दरबार में, तुम इतना धन कहाँ से लूट कर लाए हो। वो कहने लगा कि मैं तो कमा कर लाया हूँ। तो सैनिक कहने लगे, दरबार में चलो, सब पता चल जाएगा। और सैनिक उसे पकड़कर ले गए। छोटी बहू बड़ी दुखी हुई और रोते हुए माँ के मंदिर जाकर उनके चरणों में लौटने लगी। बोली माता, आपने ये क्या मेरे साथ किया, सुख देकर दुख क्यों बोलो है आपने मुझे दिया। यदि हुई कोई भूल है मुझसे उसे क्षमा करना, पटक पटक कर सर चौखट पर मर जाऊंगी वरना। सुनी पुकार जोश की फिर तो माता चली आई, और बताया खाली लेकर उन बच्चों ने खटाई। व्रत उद्यापन जिसके कारण भंग हो गया है, पर मैं जानती हूँ कि तुमने कुछ नहीं पाप किया है। लेकिन जेठ के बच्चे लेके खटाई खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, छोटी बहू की करुण पुकार सुनकर माता ने कहा कि तुम्हारे जेठ के बच्चों ने अपनी माताओं के सिखाने पर तुम्हारा उद्यापन भंग कर दिया है, जाओ घर जाकर दोबारा उद्यापन करो, तुम्हारा पति तुमको रास्ते में ही मिल जाएगा। जब वो वापस आई तो सच में उसका पति सामने से आता दिखाई दिया। उसने पति से पूछा कि आपको सैनिक क्यों ले गए थे, तो उसने बताया कि इतना धन कमाकर लाया हूँ, राजा ने कर लेने के लिए बुलाया था, मैंने कर चुका दिया, चिंता की कोई बात नहीं। तब उसने पति से कहा कि हमारा उद्यापन बच्चों के खटाई खाने के कारण भंग हो गया, जिसके कारण आपको सैनिक ले गए, हम दोबारा उद्यापन करेंगे और इस बार हम ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन करवाएंगे। उन्होंने वैसा ही किया, दोबारा उद्यापन करके ब्राह्मणों के बच्चों को भोजन कराया और उचित दान दक्षिणा दी, जिससे माता संतोषी अति प्रसन्न हुई और वो सुखपूर्वक रहने लगे। कुछ समय पश्चात ही उनके घर एक सुंदर से पुत्र ने जन्म लिया। एक दिन माता संतोषी ने सोचा कि ये हर रोज मेरे मंदिर में आती है, क्यों ना आज मैं इसके घर चलूं। माता ने अपना बड़ा भयंकर रूप धारण किया, मुख पर गुड़ और चना लिपटे हुए मक्खियां भिनभिना रही थी। जैसे ही माता उसके घर आई, उसकी सास जोर से चिल्लाई और डर के मारे अपने घर के दरवाजे बंद कर लिए। किंतु छोटी बहू जो खिड़की से देख रही थी, उसने माता को तुरंत पहचान लिया। छोटी बहू अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, देख के माँ संतोषी को वो तो पहचान गई। छोड़ दिया बच्चे को माँ के चरणों में लेट गई, उसकी सास चिल्लाई बोली, क्या तुम्हें अकल नहीं, जिसके लिए पटका बच्चे को उससे क्या नाता है। बोली छोटी बहू के ये संतोषी माता है, माता संतोषी का सास ने जो ही नाम सुना,
हाथ जोड़ कर बोली, सास भी माँ मुझे करो क्षमा। पश्चाताप के आंसू आँखों में आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार सास ने जब माता संतोषी का नाम सुना तो सास को भी अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ और वो माता संतोषी से क्षमा याचना करने लगी। कहने लगी, हे माता, मुझे क्षमा करो, मैंने इस नादान पर बड़े ही अत्याचार किए और आपके लिए भी भूलवश क्या क्या बोल दिया। हे माता, हम सब अज्ञानी हैं, हमारी भूल क्षमा करो। प्रिय भक्तों, सास और जेठानियों ने अपनी भूल की क्षमा मांगी तो माता संतोषी ने उन सबको क्षमा कर दिया। इसके पश्चात उन सभी ने शुक्रवार व्रत करने का निश्चय किया। प्रिय भक्तों, यही कथा है माता संतोषी के व्रत की, जिसे व्रत करने वाले भक्त सुनते हैं, कहते हैं जिसने व्रत नहीं किया उसके लिए भी कथा सुनना परम कल्याणकारी है। बोलिए माता संतोषी की जय। माँ संतोषी व्रत की भक्तों यही कथा पावन है, जिसको सुनकर मिलते जीवन में सुख साधन है। व्रत करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है, माँ संतोषी भक्तों पर सदा कृपा बरसाती है। जिससे हो जाता है माँ के भक्तों का उद्धार, हंस राज रलहन भी कथा को सुनता बारंबार। डीएस पाल ने श्रद्धा पूर्वक किया कथा का वर्णन, फौज सुरेश के शब्द लिखा जिन्हें करके शारदे सिमरन। लाखों भक्त जिसे सुन करके पुण्य कमाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। व्रत करने से दुख संताप सभी मिट जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं।